एंड अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। कैसे हैं आप लोग? आज की हमारी वीडियो है दिवाली विद इंडियन फैमिली, और पता है ये व्लॉग है और ये व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बिकॉज आज हम फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं जापानीज़ का एक व्लॉग जिसमें वो सेलिब्रेट कर रहा है दिवाली। सो बेसिकली दिवाली का ओकेशन जो है वो हिंदू जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और इवन दो वी आर ऑल्सो एक्साइटेड क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं, हम आपकी फैमिली हैं। सो मतलब कि एक साथ ये सेलिब्रेट करना हमारा फ़र्ज बनता है। सो मुझे तो ये वीडियो देखने का बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है, बिकॉज ये जापानीज कैसे सेलिब्रेट करने वाला है। सो बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो की तरफ और फिर रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्ते मेरे भारतीय परिवार, मेरा नाम कोहे है और मैं टोक्यो जापान से हूँ। मैं हिंदी सीखता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है, और आप सभी को बड़ी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है बड़ी दिवाली का दिन और आप सभी को पटाखों की बहुत ज्यादा आवाज सुनाई दे रही होगी, आपको है ना, बहुत तेज तेज आ रही है, बहुत सारे लोग खेल रहे हैं ना। मगर पटाखे से खेलना ये वर्जित है ना, मना है, तो हम लोग तो जरूर नहीं खेल रहे हैं। मगर उसके बदले में मैं इस वीडियो में ये दिवाली मनाने जा रहा हूँ, वो भी एक भारतीय परिवार के साथ। जैसे मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अभी इसी वक्त चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ से वीडियो बना रहा हूँ, और यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है जिनके यहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, और उनके घर वालों के साथ दिवाली मनाने जा रहा हूँ। और ये मेरे लिए बिल्कुल पहली बार होगा किसी भारतीय परिवार के साथ, मतलब भारतीय लोगों के साथ दिवाली मनाना। आप लोग देख लीजिए कि पहली बार दिवाली मनाने का अनुभव कैसा रहेगा, ठीक है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजेदार होने वाला है। आरंभ करते हैं। ये घर के आसपास है, हर घर में बहुत खूबसूरत सजावट है। हम लोग गुरुद्वारा जा रहे हैं दिवाली की पूजा करने के लिए, और वो गुरुद्वारा बहुत अंदर है, पैदल जाना होता है। हम लोग पहुंच गए गुरुद्वारा, प्रवेश करते समय जूते निकालना जरूरी है। वाओ, यहाँ देखिए, आज दिवाली है ना, तो बहुत सारी मोमबत्तियाँ हैं और बहुत ही पवित्र माहौल है। आइए हम लोग अंदर जाते हैं, पैर इसमें धोने होते हैं। प्रवेश करते समय आदर दिखाने के लिए सिर झुकाते हुए गुरुद्वारा जी के फर्श को छू लिया है। अंदर बहुत ही शांत धर्मात्मा है, गुरुद्वारे के अंदर बहुत सुकून मिलता है। माथा टेकने के बाद आसपास परिक्रमा करते हैं। मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो या चर्च हो, कहीं भी पूजा करने के लिए जाता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, और हर बार लगता है कि मेरा दिमाग और दिल ताज़ा हो गया। निकास करते वक्त भी फर्श छू लिया। देखिए कितनी सारी मोमबत्तियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत है ना।
मैं भी मोमबत्तियों पर अग्नि लगाकर दिवाली मनाना चाहता हूँ। अग्नि लगाने के बाद रखने के लिए जगह ढूंढना मुश्किल होता है। ये मोमबत्तियां देखकर मुझे बहुत आरामदायक और संतोषजनक एहसास होता है। आपको कैसा लगा कमेंट लिखकर बता दीजिए। और यहाँ इस गुरुद्वारे का मुख्य इमारत है। और अब हमें परिक्रमा करना है। अंदर भी वीडियो में लेने के लिए अनुमति भी ली थी। और यहाँ बहुत पुराना पलंग यानी बिस्तर है। और यह इमारत 400 वर्ष पुराना है। यह बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। बहुत खूबसूरत संस्कृति है। जूते पहन लिए हैं, घर वापस जाते हैं। निकास यहाँ से है। दिया जलाने का समय आ गया। घर के आसपास सजावट देखिए कितना खूबसूरत है। वाओ! पिकाचू वाली रंगोली जो मैंने बनाई है उसको भी दिया दे दिया। और रात्रि भोज के लिए हमने कुलचा और पनीर खाए। और यहाँ है स्काई लंतांग। क्या आप इसे हिंदी में आकाश कंदील कहते हैं? यहाँ आसमान यानी गगन में उड़ने वाला कंदील होता है। हम लोग इसे गगन में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उड़ गया, कामयाब हुआ। आइए दोस्तों, हम लोग और एक कंदील उलाते हैं। जब तक ये पर्याप्त नहीं फूटता है तब तक पकड़ते हुए प्रतीक्षा करना पड़ता है। चलो चलो चलो। आकाश कंदील बहुत दूर होते जा रहा है। अगले साल में भी हम लोग जरूर खेलेंगे। ओके दोस्तों, आज मैंने जिंदगी में पहली बार एक भारतीय परिवार के साथ होली दिवाली मनाई है। जिंदगी में पहली बार दिवाली मनाने का अनुभव मेरे लिए बहुत ज्यादा मजेदार लगा। बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा सार्थक अनुभव रहा मेरे लिए। ये अनुभव तो हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में, हमेशा के लिए मेरे दिमाग में, मेरे मन में जरूर याद रखेगा। बहुत अच्छा लगा, ये दिन सच्ची में सार्थक निकला। और मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी दिवाली कैसी रही? इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे सुना दीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है? और आज भी मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे हिंदी बोलने का तरीका बहुत ज्यादा मजेदार लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है यार? सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दीजिएगा प्लीज। चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस। सयोनारा, सयोनारा, सयोनारा। ये थी वीडियो आज की, और ये दिवाली विद इंडियन फैमिली जो कि जापानीज का एंजॉयिंग दिवाली, और बहुत ही मज़े की वीडियो थी। इसकी हिंदी बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा था, बहुत ही मेहनत से इन्होंने सीखी होगी यकीनन।
और काफ़ी हार्ड वर्ड थे जो कि मैं भी नहीं बोल सकती, इवन कि मुश्किल लगते हैं, और वो इन्होंने बहुत अच्छे से बोले हैं। और बाकी जो सेलिब्रेशन की बात है, तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि यार ये जो लैम्प है, फायर लैम्प कहते हैं शायद इसको, जो आसमान पे मतलब कि इन्होंने उड़ा दिया, सो ये मतलब सिर्फ आग से ऊपर चले जाते हैं या फिर इसका क्या लॉजिक क्या है, मतलब कि उड़ने का लॉजिक क्या है? एक गुब्बारे होते हैं उसको हम उड़ाते हैं, तो उसमें हवा होती है, गैस होती है, ऑक्सीजन वगैरह कुछ होती है, तो इसका क्या प्रोसीजर होता है? तो ये आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। वैसे ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जो वो आसमान पे ऐसे आग जल रही है, सो इज़ इट सेफ अगर हम लोग मतलब आग जला कर इसको छोड़ देते हैं कहीं भी, किसी चीज़ से अटक जाए या कहीं कपड़ों के पास से गुजरे, तो मतलब कुछ इस तरह का तो नहीं है कि इससे नुकसान हो? सो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओवरऑल वीडियो काफ़ी अच्छी थी, इन्होंने सेलिब्रेट किया, इवन मैंने भी इस बार एंजॉय किया था, सेलिब्रेट किया था दिवाली को। 2020 दिवाली मेरे लिए फर्स्ट दिवाली थी और बहुत ही अच्छी थी। और लाइट्स जलाते हैं, और इन्होंने तो खैर दिए जलाए हुए थे, रंगोली बनाई थी, तो मैंने मोमबत्ती से ही जो है वो कैंडल से अपने सेलिब्रेट किया था। मुझे तो बहुत मज़ा आया था, आपको कैसा लगा आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया। ओवरऑल देखिए, इंडियन कल्चर एक ऐसा कल्चर है कि जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं, और उसको देखते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये वीडियो को अपलोड करने का मकसद भी मेरा यही था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि आउट ऑफ कंट्री के लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, जो मतलब कि अदर रिलीजन के लोग हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं वो किस तरह से दिवाली को या फिर इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छी वीडियो थी, काफ़ी मज़ा आ रहा था इस वीडियो को देखकर, काफ़ी इसमें इन्फॉर्मेशन थी, सच एज गुरुद्वारा में ये जाकर इन्होंने सारा वो व्यू दिखाया, तो मतलब कि किस तरह से क्या क्या प्रोसेस किया है इन्होंने, वो सारी चीज़ें दिखाई। इतनी सारी कैंडल्स रखी हुई थी कि वाकई में स्पेस ही नहीं थी कि रखें कहाँ पर। ओवरऑल ये जो जैपनीज़ गाय है, मुझे लगता है कि ये इंडिया में ही रहता है कहीं पर, और इसकी ज़्यादातर व्लॉग्स जो है वो इंडिया के ही होते हैं, सो अगर आप देखना चाहते हैं उनके व्लॉग भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। और यस, ये थी हमारी आज की वीडियो, मुझे बहुत अच्छी लगी और काफ़ी अच्छा इनका व्लॉग था, और काफ़ी जगह बहुत अच्छी है जहाँ पर इन्होंने स्टे किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत वो व्यू था, छोटे छोटे बैंगलोस बने हुए हैं, और मुझे इस तरह की जगहें बहुत पसंद हैं और ऑलमोस्ट पुरसकून होती हैं। और कितना साफ़ सुथरा रोड था, क्लीनिंग कितनी ज़्यादा थी, ये चीज़ मैंने नोट की यहाँ पर। और ना सिर्फ मैंने क्लीनिंग बल्कि वहाँ का जो मतलब एरिया, वहाँ के लोगों को नोट किया, काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ के, काफ़ी साफ़ सुथरी माहौल है वहाँ का, और अपने काम से काम रखना और सेलिब्रेट करना, और जिनके पास ये लोग रह रहे हैं वो लोग भी कितने अच्छे हैं, मतलब कि इतना अच्छे से इसको प्रोटोकॉल दिया है, काफ़ी अच्छे से इनके साथ वो मतलब कि जाहिर सी बात है वीडियो भी वही लोग इसकी बना रहे होंगे। सो ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ आप जाते जाते मुझे भी बता दीजिएगा मेरी हिंदी कैसी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं साइमा पीर ज़्यादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।